भारत सरकार द्वारा शहरों में नगर निगम सीमा के अंदर परंतु वनों के बाहर के क्षेत्रों को वनाच्छादित करने तथा जैव विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वनों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत हमारे भोपाल शहर में चंदनपुरा नगर वन की स्थापना की गई। चंदनपुरा अर्थात चंदन का वास। चंदनपुरा नगर वन के फैलाव क्षेत्र 125 एकड़ में चंदन सहित लगभग 250 प्राकृतिक एवं दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। चंदन जैसी बहुमूल्य प्रजाति एवं आस्था से परिपूर्ण धरोहर को इस नगर वन के माध्यम से न केवल संजोया जा रहा है अपितु इसको प्रचुर मात्रा में बढ़ाने का प्रयास जारी है। जल संरक्षण एवं सुदूर से आए प्रवासी पक्षियों हेतु जलाशयों का निर्माण, रंग बिरंगी तितलियों के लिए बनाया गया तितली पार्क इस नगर वन को हरा भरा, सुनहरा एवं रमणीय स्थल बनाता है। यहां जापानी मियावाकी पद्धति से छोटे क्षेत्र में सघन वन बनाने हेतु डेमो प्लॉट भी बनाया गया है। बांस एवं बांस से बनाई गई चीजें आज राज्य की पहचान बन गई हैं। बांस की सर्वव्यापी महत्ता को देखते हुए भारत देश में पाई जाने वाली 28 प्रजातियों को सहेज कर बैम्बू सेटम की स्थापना भी की गई है। नगरीय रहवासियों को जंगली फलों का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, अतः आम जनता को इन जंगली फलों कभी तेंदू बेल आदि से परिचित कराने हेतु जंगली फलोद्यान तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्षेत्र को वनाच्छादित करने के लिए 5000 पौधों का रोपण भी किया गया है। चंदनपुरा नगर वन विश्वास दिलाता है कि वह आने वाले समय में आम जनों को न केवल शुद्ध पर्यावरण प्रदाय करेगा अपितु नई पीढ़ी को वनों के प्रति जागरूक भी करेगा। सदियों से चंदन की सनातन धर्म में काफी महत्ता रही है। आज भी ज्योतिर्लिंगों में प्रतिदिन भगवान शिव के मस्तक पर चंदन लेप से त्रिपुंड बनाया जाता है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशिनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा।